तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं, उसके बाद कहा जा सकता है कि इन दिनों राजनीति बड़े बोलों की हो गई है और यही कारण है कि एक के बाद एक बयान लगातार आ रहे हैं। तो इन दिनों राजनीति बड़े बोलों की हो गई है और यही कारण कि कभी कोई बड़े विवादित बयान बोल रहा है और विवादों से जुड़ रहा है। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सतीश पूनिया, जिन्होंने जोधपुर के बाद अब बीकानेर में राहुल, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा को लेकर विवादित बयान दिया। क्या कहा उन्होंने, ये हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। प्रियंका गांधी आ गई, बहुत खुशी की बात। तो मैंने कहा पप्पू खेल हो गया, बबली को लिया है। लेकिन बबली को लिया है तो बंटी पे खतरा है, क्योंकि इसका तो पियर और ससुराल दोनों ही बेल पे है। मुझे पता नहीं, तो उस समय किसी कार्यकर्ता ने व्हाट्सएप किया कि रॉबर्ट वाड्रा ने एंटीसिपेट ले। वहीं सतीश पूनिया के बयान पर मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया है और पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। दरअसल चुनावी साल है, लेकिन नेताओं की भाषाओं पर पूर्ण विराम लगता ही नहीं है। आज भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने प्रियंका गांधी को बबली बता दिया। इस वक्त हमारे साथ गोविंद डोटासरा हैं, बहुत मुखर नेता हैं, शिक्षा मंत्री हैं, भंवर सिंह भाटी भी हैं। डोटासरा जी, किस तरफ जा रहे हैं हम, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होने लगा है? देखिए, मोदी जी का अब आने वाले चुनाव में सूपड़ा साफ होने वाला है, एनडीए की सरकार जाने वाली है, उनको पता है। इसलिए बोखलाट में आरएसएस की पाठशाला में पढ़े हुए वो लोग, जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, वो इस तरह के बोखलाट भरे बयान दे रहे हैं। हम सब इनकी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी जी वो शख्सियत है जिनके पिता ने देश के लिए अपने आप को शहीद कर दिया, देश की एकता और अखंडता के लिए उनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, और महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया। उन लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए, जिस प्रकार की जो गंदी भाषा इन लोगों को आती है, ये आरएसएस की पाठशाला है। ये ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे से राजनीति करते हैं। आरएसएस कभी नहीं कहता पर गोविंद जी एक मिनट, लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है ना, चौकीदार चोर है। क्या उनका कहना ये है कि इस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं तो हम ये क्यों ना बोले? मतलब हर ये राहुल गांधी जी कहते चौकीदार, जिसने कहा था प्रधानमंत्री जी मैं देश का चौकीदार हूं, तो जनता कहती है कि राफेल में इन्होंने चोरी की है, ये चोर है। राहुल गांधी जी ने कब कहा कि चौकीदार देश का क्या है? वो कहते हैं, बोलिए, जनता से पूछते हैं कि देश का जो चौकीदार अपने आप को बता रहा था उसमें राफेल ने क्या किया, तब जनता कहती है कि उसने चोरी की है देश के प्रधानमंत्री ने, तो जनता तो कहेगी, जो देखेगी वो कहेगी। तो सुनते जाइए किस तरीके से अब बयानों से मर्यादाओं को लांघा जाएगा। मेरे सहयोगी बीकानेर से लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, जमीन पर सर्दी के साथ साथ गर्मी भी महसूस की जा रही है, और गर्मी सियासी तौर पर जुबानी वार और पलटवार की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र, बीकानेर में वैसे तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस सियासी जो व्यंग बाण है, इन्होंने तापमान बढ़ा दिया है और नैतिकता भी कहीं ना कहीं गुम हो रही है। क्योंकि जिस तरह से आज सतीश पूनिया ने कहा और उसके बाद जो जवाब दिया, तो दोनों ने हम डाल डाल तुम पात पात लग रहा है। क्योंकि मंत्री जिस तरह से प्रियंका गांधी के डिफेंस से आए हैं और दोनों ने सीधे तौर पर कहा है कि ये कुत्सित मानसिकता है, आरएसएस की पाठशाला में तैयार हुए लोग ऐसी भाषा बोलते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि भाई इस नैतिकता की जो भाषा है, इसकी गरिमा को कौन बनाए रखेगा, दोनों तरफ एक तरह से बांधूंगा, कहना था कि ये जो है खास तौर पर कितने बयान आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। अब दरअसल देखना होगा, क्योंकि सतीश पूनिया ने ये बात जो है, मैं आपको बता दूं केंद्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सतीश पूनिया ने ये बात, क्योंकि सतीश पूनिया भाजपा के प्रवक्ता है, तो इसको भाजपा का स्टैंड माना जाना चाहिए, और ये बयान किसी इंटरव्यू में नहीं दिया है, बाकायदा एक भाषण में, जो कि वहां पर मौजूद भाजपा के बड़े नेता थे, वहां पर जिलाध्यक्ष थे, विधायक थे, उनको संबोधित करते हुए ये कहा है। तो सीधे तौर पर भाजपा का ये बयान माना जाए, बिल्कुल। और लक्ष्मण, ये भी कहा जाए कि अब बीजेपी का ट्रैक थोड़ा सा बदल गया सियासी तौर पर, क्योंकि अभी तक वो राहुल गांधी पर पप्पू कहकर हमला करते थे, लेकिन बंटी और बबली के जरिए ना सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि रॉबर्ट वाड्रा, इनको अब निशाने पर लेंगे और लोकसभा चुनाव में पप्पू की जगह बंटी और बबली शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, मान लिया जाए बीजेपी की तरफ से। देखिए, विभिन्न कोशिश यही हो रही है, जो बात आई है सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा, वो यहाँ पे रुक गए कि बबली जी आई है, पप्पू फेल हो गए, और अब बंटी जी की चिंता कीजिए। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बंटी बबली का खेल है, बबली पर बवाल कहीं ना कहीं करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना है जिस तरह का स्टैंड कांग्रेस के मंत्री ने लिया है, मुझे लगता है यही नहीं थमेगा, ये आगे भी बढ़ेगा।
लक्ष्मण, बीजेपी का फोकस शिफ्ट हो रहा है राहुल गांधी से प्रियंका की तरफ, क्योंकि यूपी के अंदर जिस तरीके से प्रियंका को कमान दी गई, और यूपी का भी वो इलाका जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जहां से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे हैं, उस इलाके की जो कमान है प्रियंका को दी गई है। राजस्थान के साथ भी अच्छा कनेक्शन प्रियंका का, इसलिए निशाने पर सीधे वही। बहुत महत्वपूर्ण बात पकड़ी है विजेंद्र आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनका जो है ये इन्होंने इनको जो जो बयान आ रहा है, एक तरह से कांग्रेस भी ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की लोकप्रियता को लेकर भाजपा में बौखलाहट है। आप देखिए ये शिफ्टिंग क्यों है, इसका बड़ी वजह जो आपने बताई वो है, बौखलाहट है या नहीं ये वो जाने, लेकिन बड़ी वजह जो आपने कही महत्वपूर्ण है, आदित्यनाथ वहीं से आते हैं, दूसरे इसके अलावा बनारस जो वाराणसी है वो संसदीय सीट भी उधर है, तो ये तमाम चीजें हैं मुझे लगता है इसीलिए पहले से भाजपा जो है अग्रसर मोड में आ गई है। जी अच्छा, इसको कांग्रेस किस तरीके से लेती है आपको दिखाई दे रही, क्योंकि अगर प्रियंका को निशाने पर बीजेपी लेगी इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी को बीजेपी साइडलाइन करेगी। कांग्रेस जो है पूरा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ना चाहती है और सब कोऑर्डिनेट के तौर पर प्रियंका गांधी नजर आएंगी, तो उनका भी फोकस थोड़ा शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है, फिर वो राहुल गांधी के एजेंडे के साथ ही आगे बढ़ेंगे। देखिए मुझे लगता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी है, लेकिन जिस तरह से दोनों मंत्रियों ने डिफेंस किया है साफ है कि प्रियंका गांधी भी उनके लिए उतनी महत्वपूर्ण है, इसमें कतई शंका नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि प्रियंका गांधी उस परिवार से आती है जिसके पिता ने देश के लिए बलिदान किया और दादा ने किया। अब देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह से डिफेंस किया गया है इससे साफ है कि पार्टी में नंबर दो पर कांग्रेस में कौन है। जी जी बिल्कुल लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ, क्योंकि ये तो बयानों की शुरुआत। अब ये बयान प्रदेश की सियासत से होते हुए क्या सत्ता के केंद्र बिंदु तक यानी कि दिल्ली तक भी पहुंचते नजर आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।